वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में, जिसका के नाम है वेरियस एनालिसिस। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं वेरियस एनालिसिस हम लोगों ने आज का टॉपिक उठाया है। और हालांकि इसके बारे में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, आज हम थोड़ा उसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वेरिएंस होता क्या है या फिर ये वेरिएंस एनालिसिस है क्या। ठीक है, सो आपको हम लेकर चलते हैं सीधे क्लास ट्वेल्थ में, और क्लास ट्वेल्थ में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कंट्रोलिंग। हाँ सर, कंट्रोलिंग तो पढ़ा था सर। कंट्रोलिंग किसके अंदर में पढ़ा था सर? कंट्रोलिंग हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस स्टडीज के अंदर में। और बिजनेस स्टडीज के अंदर में जब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस देख रहे थे तो उसमें था कि कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ वेरिएंसेस आते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वर्ड जो वेरिएंस है ये सुना था क्लास ट्वेल्थ में, जहां वेरिएंस का मतलब था डिफरेंस। अच्छा सर, डिफरेंस किसके किसके बीच के था? मैंने कहा था एक हमारे पास प्लान्ड परफॉर्मेंस होती है, एक हमारे पास प्लान्ड परफॉर्मेंस होती है, एक हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। जब हम प्लान्ड परफॉर्मेंस को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से, जब हम प्लान्ड परफॉर्मेंस को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, उसको मैच कराते हैं, कंपेयर कराने पे अगर हमारा एक्चुअल और हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस सेम आता है तो हम कहते हैं कि यहां पे किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं है, यहां पे किसी भी तरह का वेरिएंस नहीं है। यानी कि मेरा स्टैंडर्ड, मेरे प्लान्ड परफॉर्मेंस मेरे एक्चुअल से क्या करता है? मैच करता है। अगर मेरा प्लान्ड परफॉर्मेंस, बजटेड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं करता है तो देर आर सम चांसेस ऑफ वेरिएशन, यानी कि वहां पे वेरिएशन होने के चांसेस होंगे। और जब वेरिएशन होंगे सो वेरिएशन भी हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है फेवरेबल वेरिएशन और एक होता है अनफेवरेबल वेरिएशन। अब सर ये फेवरेबल वेरिएशन और अनफेवरेबल वेरिएशन क्या होता है? मैंने कहा ओके, मैंने प्लान्ड किया था, मैंने प्लान किया था कि भैया मेरे पास जो आउटपुट होगा वो 1000 आउटपुट होगा। मैंने बिजनेस में बजट तैयार किया, मैंने प्लान किया और प्लान करके मैंने बताया कि भैया 1000 आउटपुट मेरा निकलेगा और मेरे आउटपुट निकल गए 900। निकालने कितने थे? 1000 निकल गए कितने? 900। इसका मतलब कि मेरा स्टैंडर्ड या जो मेरा प्लान था परफॉर्मेंस वो मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं हुआ। मेरा जो प्लान परफॉर्मेंस था वो 1000 था, जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ वो हुआ 900। इसका मतलब कि देयर इज अ वेरिएशन, और ये जो वेरिएशन है इसको हम बोलेंगे एडवर्स वेरिएशन, बिकॉज ये मेरे आउटपुट से मैच नहीं कर रहा है, कम है। मेरे आउटपुट जो आउटपुट है वो मेरी प्लान परफॉर्मेंस से क्या है? कम है। अच्छा, मैंने स्टैंडर्ड, मैंने प्लान किया था 1000 आउटपुट का, लेकिन कितने हो गए? 1100 आउटपुट निकल गए एक्चुअल में। इट मींस कि मैंने सोचा था कुछ और निकले कुछ और। इसका मतलब कि भैया ये हमारा क्या है? फेवरेबल है। सर थोड़ा थोड़ा और रिलेट करी, मैंने कहा ओके। हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा थी और प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम लोगों ने देखा था एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज पढ़ा था। उसमें एक एबनॉर्मल गेन भी होता था जिसको बोलते थे एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। प्लान कुछ और किया था और निकल ज्यादा गया तो मुझे एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस होता था। प्लान मैंने किया था कुछ और उससे कम आउटपुट निकल गया तो वहां पे क्या होता था? एबनॉर्मल लॉस। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। तो आइए एक बार देखते हैं कि सपोज मैंने जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है, मेरी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है उसको मैं कंपेयर करता हूं, किससे? एक्चुअल परफॉर्मेंस से। मैं अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करता हूं? एक्चुअल परफॉर्मेंस से। और कंपैरिजन पे अगर जो मेरा रिजल्ट आता है, जो मैंने रिजल्ट मेजर किया, जो मैंने रिजल्ट क्या किया?
मेजर किया, अगर वो रिजल्ट जो है वो दो तरह का आ सकता है, एक आ सकता है मेरे पास फेवरेबल और एक हो सकता है एडवर्स, या इसी एडवर्स को हम कहते हैं अनफेवरेबल। ठीक, तो अगर हमारे पास कुछ डेविएशन है, अगर हमारे पास कंपेयर करने पे जो रिजल्ट आता है उसमें कुछ डेविएशन है या फिर उसमें अगर कोई वेरिएंसेस है, तो उसी को अगर हम एनालाइज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेरियंस एनालिसिस। यानी कि जो भी डेविएशन आया है या जो भी डेविएशन कंपेयर करने पे जो भी चेंजेस आए हैं हमारे एक्चुअल प्लांट परफॉर्मेंस से कंपेयर करने पे, तो जो वेरिएंस आते हैं उसी को हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और उसके बाद से हम उसको वेरिएंस को एनालाइज करने के बाद से जो भी मुझे करेक्टिव डिसीजन लेना होता है या जो भी मुझे करेक्टिव मेजर लेना होता है वो हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इतनी कहानी समझ में आ रही है? हाँ सर। तो कंट्रोलिंग में यही पढ़ा था हम लोगों ने, जो 12th में डिस्कस में पढ़ा था, बस हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड, हम लोगों प्लांट को, प्लांट परफॉर्मेंस को, हम लोग बजटेड परफॉर्मेंस को, या मैं कह सकता हूं कि मैं अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे अगर कोई डेविएशन आता है तो उसको मैं देखता हूं कि ये फेवरेबल है या कि एडवर्स है। अगर एडवर्स आया होगा तो फिर मैं करेक्टिव मेजर्स लूंगा जिससे कि मैं उसको दूर कर सकूं। इतनी कहानी समझ में आ रही है? हाँ सर। तो वेरियस एनालिसिस इज नथिंग बट इट इज एन एनालिसिस इन विच वी कंपेयर द प्लान परफॉर्मेंस और द बजटेड परफॉर्मेंस और द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड इफ इन कंपेयरिंग बोथ देयर इज एनी डेविएशन और वेरियंसेस अकर, then we measure that deviations and variances and we also measure that whether it is favorable or adverse. If it is favorable then it's okay, but if it is adverse then we take corrective measures to remove such deviation in further course of business. ताकि ये गलतियां repeat ना हो हम लोग corrective measure लेते हैं। इतनी बात समझ में? सर इसमें कहीं भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो आया नहीं, पूरी कहानी पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन मैंने एक वर्ड जरूर बोला था स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब बजटेड परफॉर्मेंस कह सकते हो अभी फिलहाल में बजटेड परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कह सकते हैं। तो प्लान्ड परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो था वहीं से हम निकालते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब कि भैया आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, एक लेवल सेट कर रहे हो जिससे कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। इफ देयर इज नो एनी स्टैंडर्ड देन हाउ विल यू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैंने बोला 100 नंबर का पेपर होता है 33 नंबर पासिंग होता है, 100 नंबर का पेपर होता है 40 नंबर पासिंग होता है, तो एक स्टैंडर्ड सेट है ना। अगर 40 से कम आएगा तो आप फेल, 40 से ऊपर आया तो आप पास। यानी कि मैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर कर रहा हूं, एक्चुअल परफॉर्मेंस से। तो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया ना, एग्जाम 3 घंटे का ये होता है, क्यों नहीं 10 घंटे का होता है, बिकॉज मैंने एग्जाम के लिए 3 घंटा एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सबके लिए 3 घंटा क्या होगा, टाइम अलॉट होगा, और उसी में हम आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। 100 मार्क्स का पेपर होता है, इट मीन 100 मार्क्स इज स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। उसी के ही बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपको कंपेयर करेंगे। सो देयर मस्ट बी ए स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो आप किसको कंपेयर करोगे कि भैया तुमने अच्छा किया तुमने खराब किया। कोई स्टैंडर्ड अगर हम नहीं सेट करेंगे, कोई प्लान नहीं बनाएंगे कि कितना आउटपुट बनना चाहिए महीने में, तो जब मैं यही नहीं डिसाइड कर पाऊं कितना आउटपुट बनना चाहिए, तो जितना भी आउटपुट हमारे पास होगा वही क्या होगा, बेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ना। अगर मैंने महीने की स्टार्टिंग में नहीं सेट किया कि भैया इस महीने 1000 आउटपुट निकलना चाहिए, अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो अगर 500 बनेगा तो भी वेरी गुड, 900 बन रहा है तो भी वेरी गुड,
200 बन रहा है तो भी वेरी गुड, 1200 बन गया तो भी वेरी गुड, बिकॉज आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिससे आप कंपेयर करोगे। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ हैविंग अ स्टैंडर्ड, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिससे कि मैं कंपेयर कर सकूं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एंड इफ 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 देयर इज एनी डिफरेंस then we can take, if there is any difference, if there is any variance, if there is any deviations, then we can take corrective actions. Okay sir, बिल्कुल clear हो गया कि standard क्या होता है, standard costing अभी नहीं गया, बस standard क्या होता है, standard का मतलब एक planned performance, एक planned कह सकते हो हम एक level तय करते हैं जिससे कि हम compare करते हैं actual performance को। और जब हम इसी की कॉस्टिंग करते हैं, जब हम इसी की कॉस्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी कि इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी कंपेयर, वी मेजर द स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब सर ये कॉस्टिंग क्या होती है, आइए जरा कॉस्टिंग के बारे में समझते हैं, व्हाट इज कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है। सर ये तो क्लियर हो गया कि हम प्लान को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, हाँ सर ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया। अब हम समझते हैं कॉस्टिंग, जब कभी भी हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, क्या करते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर में हम कह सकते हैं कि मेरे पास तीन तरह के कॉस्ट होते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है ओवरहेड। ठीक, ओवरहेड को भी अगर हम चाहे तो फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, फिक्स ओवरहेड होता है और वेरिएबल ओवरहेड। ठीक, तो जब कभी भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब कि जब हम कॉस्ट के एलिमेंट को, जब हम कॉस्ट के एलिमेंट का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अगर मटेरियल से रिलेटेड चीजों का, अगर हम मटेरियल से रिलेटेड चीजों का वेरिएंस देखना चाहते हैं कि भैया मटेरियल में कितना वेरिएंस आया है, तो हम मटेरियल वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लेबर का देखेंगे कि लेबर कॉस्ट में अगर कोई वेरिएंस आया है, चेंज आया है, तो वो किस में आता है, लेबर वेरिएंस के अंदर में आता है। और अगर ओवरहेड में कोई की वजह से कोई वेरिएंस आता है तो हम उसको ओवरहेड वेरिएंस। अब ये वेरिएंस आता क्यों है, हमने एस्टिमेट किया था कि मेरा जो आउटपुट है वो 100 रुपए में बन जाएगा, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, और हमने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि भैया 100 रुपए की कॉस्ट लगेगी, कितने की लगेगी, 100 रुपए की कॉस्ट लगेगी, उसमें हम जोड़ेंगे प्रॉफिट 20 रुपए का, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 120। ठीक, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ठीक, ये मैंने सोचा था इतना होगा, लेकिन जब हम एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि मेरी जो सेल है वो हो गई हो 110 की, सेल कितनी की हो गई हो, 110 की, जो प्रॉफिट मार्जिन आया है वो आ गया है मेरा 25 का, और जो हमारी कॉस्ट बैठी है, जो हमारी कॉस्ट बैठी है वो बैठी है हमारी 85 की। ठीक है, अब हम यहां देख सकते हैं सीधे सीधे कि जो मैंने सेल एक्सपेक्ट किया था वो होगा 120 रुपए का, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था 120 से कितने के हो गए, 110 रुपए, यानी कि 10 रुपए से हमारी सेल क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं कि हमने पहले प्रॉफिट 20 रुपए के हिसाब से कमाया था, अब कितने के हिसाब से प्रॉफिट कमा रहे हैं, सेल मेरी घट रही है फिर भी मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, क्यों मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट थी वो 100 की कितनी हो गई, 85। अब हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास कई तरह के वेरियंसेज है, एक हमारा वेरियंस आ रहा है कॉस्ट, यानी कि जो सेल में परिवर्तन हुआ है उस सेल में परिवर्तन होने का एक बड़ा कारण क्या है, कॉस्ट में वेरियंसेस, तो हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वेरियंसेस। प्रॉफिट के अंदर में अगर कोई चेंज हुआ है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट वेरियंसेस, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वेरियंसेस।
और अगर सेल में कोई परिवर्तन हुआ है तो हम उसको कहते हैं सेल वेरिएंसेस, यानी कि हमारे पास कई तरह के वेरिएंसेस हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएंसेस का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस, एंड डिफरेंस किसमें, जो मैंने प्लान किया था और जो मेरे एक्चुअल है। तो सेल में अगर कोई वेरिएंसेस हुआ होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, सेल वेरिएंसेस। अगर प्रॉफिट में कोई वेरिएंस हुआ होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, प्रॉफिट वेरिएंसेस। और अगर कॉस्ट में कोई वेरिएंसेस हुआ होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, कॉस्ट वेरिएंसेस। वेरिएंसेस का मतलब एक्चुअल और प्लान में डिफरेंस। तो प्लान हमने किया था 100, एक्चुअल कितना होगा 85। हमारा अभी फिलहाल में इस यूनिट में फोकस जो होगा वो फोकस किस पे होगा, कॉस्ट वेरिएंस पे, कि साहब कॉस्ट वेरिएंस क्यों हो रही है। ठीक, क्योंकि हमारा बेसिक का भी कंसेप्ट हमारा कहां घूमेगा, कॉस्ट वेरिएंसेस के ही डिफरेंस में। अब ये कॉस्ट वेरिएंस जो हुआ है वो भी हो सकता है तीन तरीके से हो सकता है, या तो मेटेरियल में चेंजेस हुआ होगा, या तो लेबर में चेंजेस हुआ होगा, या फिर ओवरहेड में चेंजेस हुआ, क्योंकि ये मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड बना के क्या बनता है, कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट में चेंज हुआ है वो हो सकता है तीन वजह से हो सकता है, या तो मटेरियल में कुछ चेंजेस हुआ हो, लेबर और ओवरहेड में कोई चेंज ना हो, या लेबर में चेंज हुआ हो मटेरियल ओवरहेड में चेंज ना हुआ हो, या ओवरहेड में चेंज हो मटेरियल लेबर में कोई चेंज ना हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि तीनों में चेंज हुआ हो कुछ कुछ, और इन तीनों में चेंज होने की वजह से मेरी कॉस्ट में क्या हो गई है, चेंजेस हो गई। यानी कि जब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर में तीन चीजें होती है, जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तो हमारा पूरा फोकस होगा तीन वेरिएंसेस पे। कितने वेरिएंसेस पे, तीन। पहला क्या होगा, मटेरियल चेंजेस पे, जिसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। दूसरा किस पे होगा, लेबर वेरिएंसेस, जिसको कि हम दूसरा किस पे होगा, लेबर पे होगा, जिसको हम बोलेंगे लेबर वेरिएंसेस। और तीसरा हमारा होगा ओवरहेड, और ओवरहेड वेरिएंसेस में दो हो सकता है, फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। ठीक है, सो हमारी पूरी जो यूनिट होगी वो सिर्फ किसके आसपास घूमेगी, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस एंड ओवरहेड वेरिएंसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज मटेरियल वेरिएंसेस। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिल गया होगा कि हमें अभी पढ़ना है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस को ही हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारे पास पता है कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इन्हीं में कुछ वेरिएंस चेंजेस हुए होंगे जिसके बारे में मुझे पढ़ना है, और उसको तीनों को पढ़ने के लिए हमको पढ़ना होगा मटेरियल इंडिविजुअली, लेबर इंडिविजुअली और ओवरहेड इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेल वेरिएंसेस एंड प्रॉफिट वेरिएंसेस भी होते हैं, बट उनके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मटेरियल वेरिएंसेस। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि तीन कॉस्ट में तीन एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और ये हम लोगों ने देखा है कि भैया कॉस्ट में हमारे क्या हो रही है, वेरिएंसेस आ रही है, यानी कि कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो मुझे कॉस्ट में वेरिएंस निकालना है। सो कॉस्ट के वेरिएंस निकालने के लिए मेरा सबसे पहला एलिमेंट क्या है, मटेरियल वेरिएंस। सबसे पहला क्या है, मटेरियल की कॉस्ट में जो वेरिएंस हुआ है, यानी कि ये तो तय है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें ये चीजें तो तय है कि मटेरियल के कॉस्ट में चेंज हुआ है, मतलब प्लांड और एक्चुअल में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। सो हमें इतना चीज तो क्लियर हो गया कि मटेरियल के कॉस्ट में क्या है, वेरिएंसेस है। ठीक, और मटेरियल की कॉस्ट के वेरिएंस का मतलब अगर हम चेंज की बात करें तो इसका यह मतलब है कि जो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट समझा था, जो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट समझा था कि इतने में हो जाएगा काम, लेकिन उससे चेंज है हमारे एक्चुअल में, यानी कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट के वेरिएंस। यानी कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस। अब ये हो सकता है कि ये फेवरेबल भी हो और ये हो सकता है कि एडवर्स भी हो, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। अगर मेरे स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होगा एक्चुअल से तो वो फेवरेबल हो जाएगा, यानी कि मैंने अगर सोचा था कि 1200 में बनेगा लेकिन वो कितने बन गया, 1000 रुपए में, इसका मतलब कि 200 फेवरेबल।
मैंने स्टैंडर्ड सोचा था कि भैया जो मेरा खर्चा बैठेगा मटेरियल का वो बैठेगा 1200, लेकिन एक्चुअल मेरा खर्चा सिर्फ कितना बैठा 1000। इसका मतलब कि 200 मैंने क्या कर लिया, कॉस्ट बचा लिया। अब वो कई तरह के रीजन हो सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। किसी रीजन से आपने आपका क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट कम बैठा। अब एक्चुअल कॉस्ट बैठने कम बैठने की वजह से आपको क्या हो गया, फेवरेबल रिजल्ट आ गया। इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट किया था 1200 में काम होगा, लेकिन काम हो गया है 1400 का। यानी कि 1200 में एक्सपेक्टेशन थी, 1400 में काम हो गया, इसका मतलब कि ये 200 क्या आ गया, एडवर्स आ गया। तो ये फेवरेबल भी आ सकता है और ये एडवर्स भी आ सकता है। ठीक, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस हमारा क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मतलब कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कॉस्ट में दो एलिमेंट हो सकता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट के दो एलिमेंट हो सकते हैं, एक एलिमेंट होगा क्वांटिटी और एक होगा उसका प्राइस, यूनिट प्राइस। अगर मैं क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। बोलो, अगर मान लेते हैं कि 500 किलो लगता है कोई यूनिट इनपुट और 1 केजी का दाम 2 रुपए है, इसका मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी बैठेगी, 1000। मुझे पता है कि एक यूनिट बनाने में लगता है 500 किलो और 2 रुपए पर केजी के हिसाब से प्राइस है, तो 1000 रुपए लगेगा उसका स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी और प्राइस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस्ट निकल जाएगा। बोलो भाई, कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कॉस्ट में कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट हमारा निकलेगा क्वांटिटी और प्राइस। तो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलता है, कॉस्ट। और मैं कहता हूं कि कॉस्ट में गड़बड़ी आई है, यानी कि कॉस्ट में वेरिएंस है, कॉस्ट में क्या है, वेरिएंस है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो कॉस्ट में वेरिएंस आया है उसका रीजन क्या है। कॉस्ट में वेरिएंस आ गया, कॉस्ट में चेंज आ गया, ये तो 100% तय हो गया, लेकिन आखिर ये कॉस्ट में जो वेरिएंस यानी कि चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो दो ही चीज की वजह से हो सकता है, या तो क्वांटिटी के या तो प्राइस के। अब हो सकता है कि प्राइस में चेंज हुआ हो जिसके वजह से वेरिएंस आ रहा हो, या क्वांटिटी में वेरिएंस हुआ हो उसके वजह से आ रहा हो। सर ये क्लियर नहीं हुआ, मैंने कहा ओके आओ देख लेते हैं। मैंने बोला कि 500 किलो लगेगा 2 रुपए के हिसाब से, तो खर्चा कितना बैठेगा, 1000 बैठेगा, ओके। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि मैंने 400 किलो में ही काम कर लिया और वो 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 800। तो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, 1000, और मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी बैठी, 800। तो जल्दी से बताओ मुझे 200 का फेवरेबल बैलेंस आया ना, यानी कि कॉस्ट में तो डेविएशन है, कॉस्ट में तो वेरिएंस है, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि ये कॉस्ट में वेरिएशन हुआ किस वजह से। क्या क्वांटिटी मैंने चेंज किया उसके हिसाब से, या प्राइस में चेंज हुआ उसके हिसाब से। तो यहां आप नोटिस कर रहे होंगे, यहां पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस तो 2 के 2 ही रुपए है, लेकिन क्वांटिटी में चेंज की वजह से हमारा फेवरेबल बैलेंस आया है। इसका मतलब कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस में वेरिएशन हुआ होगा या तो क्वांटिटी में हुआ होगा। मेरे वाले इस वाले एग्जांपल में वो किसके वजह से हुआ है, सर इस आप वाले एग्जांपल में क्वांटिटी की वजह से हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 500 किलो लगेगा 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि मेरी कॉस्ट कितनी बैठेगी, 1000। लेकिन मैंने यहां पे देखा कि मैंने 500 केजी लगाया और वो कॉस्ट उसकी बैठ गई 3 रुपए के हिसाब से, 1500। 1000 रुपए लगने थे, कितने लग गए, 1500 लग गए। 1000 रुपए लगने थे स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन कितने लग गए, एक्चुअल में 1500। तो जल्दी से बताओ मुझे कितने का
फेवरेबल या एडवर्स बैलेंस आया? सर एडवर्स बैलेंस आया 1500 का, क्योंकि 1000 लगने चाहिए थे, 1500 लग गए। इसका मतलब कि 500 का आपके पास क्या हो गया, ज्यादा कॉस्ट बैठ गया। इसका मतलब कि ये आपके लिए एडवर्स आ गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि कॉस्ट वेरियंस कितना है, 500 का है। कॉस्ट वेरियंस कितने का है, 500 का। अब मैं पता लगाने बैठा कि भैया मटेरियल में जो कॉस्ट में चेंज आया है उसका रीजन क्या था, क्या उसका रीजन प्राइस था या उसका रीजन क्वांटिटी था। अगर प्राइस होगा तो प्राइस वेरियंस निकलेगा, क्वांटिटी में चेंज होगा तो क्वांटिटी। इस वाले एग्जाम्पल में क्या निकला, इस वाले एग्जाम्पल में क्वांटिटी का चेंज निकला। इस वाले एग्जाम्पल में क्या निकल रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में मेरा क्वांटिटी तो सेम है लेकिन प्राइस में चेंज हुआ है। प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरा रिजल्ट क्या आया, एडवर्स आ गया, यानी कि वेरिएशन आ गया। सो जब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका प्राइस के वजह से चेंज हुआ या फिर क्वांटिटी के, या फिर दोनों के वजह से चेंज हुआ। ये भी हो सकता है कि दोनों के वजह से चेंज हुआ, क्वांटिटी भी चेंज हुई और प्राइस भी चेंज हुआ। ठीक, सो आई गेस आप लोग को इतनी सी चीजें पता चल गई कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस दो वजह से हो सकता है, या तो प्राइस वेरिएंस की वजह से या तो क्वांटिटी वेरिएंस की वजह से। ठीक, प्राइस का मतलब 2 रुपए का चाहिए था 3 का मिल गया, प्राइस में चेंज की वजह से मेरा आउटपुट कॉस्ट गड़बड़ आई, कॉस्ट ज्यादा आई। दूसरा ये हो सकता है क्वांटिटी की वजह से, यानी कि प्राइस तो उतनी ही थी लेकिन क्वांटिटी मैंने 500 की जगह 600 यूज कर लिया, या 500 की जगह 400 केजी यूज कर लिया, तो उसके वजह से जो चेंज आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक, तो क्वांटिटी की वजह से भी वेरिएंस आ सकता है और प्राइस के वेरिएंस में के वजह से भी आ सकता है। इन दोनों के वजह से हमारा क्या निकलता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। सो अब हम इसका थोड़ा फॉर्मूला भी देखने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को करेगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो तरीके से हो सकता है, या तो प्राइस के चेंज के वजह से या फिर क्वांटिटी के चेंज की वजह से। अब आइए देखते हैं इसको फॉर्मूले पे पुट करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ये तो मुझे पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ। स्टैंडर्ड कॉस्ट का सर फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो मैंने सोची थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अगर हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किससे, स्टैंडर्ड प्राइस से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और उसमें से अगर हम माइनस कर दें एक्चुअल क्वांटिटी को इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी को अगर हम एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दे एक्चुअल प्राइस से तो क्या निकल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। अच्छा, अब मुझे यहां पे क्या निकलना है कि भैया ये जो चेंज हुआ है वो प्राइस के वजह से हुआ है या फिर क्वांटिटी के वजह से हुआ है। तो अगर मुझे प्राइस का चेंज देखना है तो हम डिफरेंस भी क्या लेंगे, प्राइस का ही लेंगे। तो जल्दी से बताओ यहां पे हम एक चीज को कॉमन कर देंगे, और वो कॉमन क्या होगा मेरा, एक्चुअल क्वांटिटी। यानी कि एक्चुअल में हमारा क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी सेम मानेंगे। जल्दी से बताओ मैं डिफरेंस किसका निकाल रहा हूं। सर यहां पे क्लियर है, आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं प्राइस का, कि प्राइस में अगर चेंज हुआ है क्या, अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से इसमें आया होगा तो हम उसको ले लेंगे। तो इसका मतलब कि हम क्वांटिटी को सेम मानेंगे। तो क्वांटिटी सेम मानने का मतलब एक्चुअल और स्टैंडर्ड क्या है, सेम है। अगर एक्चुअल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम है तो हम यहां पे कौन सी क्वांटिटी ले लिए, एक्चुअल क्वांटिटी। और अब हमको डिफरेंस किसका निकालना है, हमको डिफरेंस निकालना है स्टैंडर्ड प्राइस का किससे, एक्चुअल प्राइस से, क्योंकि क्वांटिटी तो हमारी सेम हो गई, 400 किलो तो 400 किलो, 500 किलो तो 500 किलो, जितना स्टैंडर्ड उतना ही एक्चुअल। तो यहां पे हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फिक्स सेम एक्चुअल क्वांटिटी।
चेंज हमको किसका निकालना है, हमको ये निकालना है कि भैया अंतर आ रहा है तो प्राइस में चेंज की वजह से आ रहा है, तो प्राइस में चेंज देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर दिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक। अच्छा, और अब हम यहां पे क्या देखना चाहते हैं, हम यहां पे देखना चाहते हैं कि मेरी प्राइस सेम है लेकिन किसके वजह से डिफरेंस आया है, क्वांटिटी की वजह से। इसका मतलब कि मेरी जो प्राइस है वो सेम है तो हम स्टैंडर्ड प्राइस ले लेंगे, क्योंकि प्राइस और एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस मान रहे सेम है, उसका कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि हम यहां पे मान ही रहे हैं कि डिफरेंस किसकी वजह से हुआ है, क्वांटिटी की वजह से हुआ है। तो हम यहां पे प्राइस को क्या मानेंगे, कॉमन मान लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस को, और डिफरेंस किसका निकाल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि जो डिफरेंस आया है वो आया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस के वजह से। हम यहां क्या मान रहे हैं कि जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से। तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 800 यूनिट, 800 केजी। हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 800 केजी। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है रुपीज 2 पर केजी, ठीक। एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लग रहा है, एक्चुअल में जो मेरी क्वांटिटी लग रही है वो लग रही है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी मेरी लग रही है 900 केजी, ठीक, 900 केजी। और जो मेरा एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जो है वो है रुपीज 1.8, मान लेते हैं रुपीज 1.8 पर केजी, ठीक। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है 800 केजी, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 2 रुपीज पर केजी, एक्चुअल क्वांटिटी दिया है 900 केजी और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है रुपीज 1.8 पर केजी। सबसे पहला काम है मेरा कि निकालना है मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस, कि क्या मेरे पास कोई कॉस्ट वेरियंस है। तो जल्दी से बताओ, अगर मुझे कॉस्ट वेरियंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, 800 केजी, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 2 रुपए, ठीक। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 1600, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 900 केजी, ठीक। और मेरे पास एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस हमारे पास 1.8 रुपीज पर केजी, ठीक। तो 18 नवा हो जाएगा 162, यानी कि 1620। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1600, एक्चुअल कॉस्ट है 1620, इसका मतलब कि 20 रुपीज मेरा क्या आ गया, 20 रुपीज मेरा आ गया एडवर्स, क्योंकि मेरी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा बैठ गई है, कितना, 1620, और होनी कितनी चाहिए थी, 1600। ये तो सर क्लियर हो गया मुझे कि जो मेरा कॉस्ट वेरियंस है उसमें चेंजेस है, देयर इज अ वेरियंस इन आवर कॉस्ट, कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, 20 रुपए। होना चाहिए था 1600, कितना हो गया, 1620 रुपए, इसका मतलब कि 20 रुपए क्या हो गया, एडवर्स, क्योंकि मुझे ज्यादा पड़ गया। अब मैं जानना चाहता हूं साहब कि चेंज आया है 20 रुपए वो किसके वजह से आया है, क्या वो क्वांटिटी की वजह से आया है या फिर प्राइस की वजह से। तो जब मैं प्राइस का डिफरेंस लूंगा तो मैं क्वांटिटी क्या मानूंगा, कि भैया क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, जितना लेना था उतना ही है, यानी कि 900 केजी था तो 900 केजी ही है। तो हम यहां पे कितना लिख देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी 900 केजी, स्टैंडर्ड प्राइस मेरी कितनी थी, 2 रुपए, तो मैंने यहां पर कितना लिख दिया, 2 रुपए। एक्चुअल प्राइस मेरी कितनी है, एक्चुअल प्राइस है 1.8, इसका मतलब कि 1.8, तो ये जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 900, 900 इंटू 0.2 यानी कि कितना रुपया आ जाएगा, 18 रुपए, ठीक, कितना आ जाएगा, सॉरी 180 रुपए, 900 इंटू 0.2, ठीक, 180 रुपए। ये मेरे पास आ गया फेवरेबल, क्योंकि लगना चाहिए था 2 रुपए, लेकिन मुझे से लगा कितना, सिर्फ 1.8, यानी कि मुझे सस्ते में मिल गया।
तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या आ गया? फेवरेबल। अब मुद्दे की बात यह है, मेरा कॉस्ट हो रहा है एडवर्स, यानी कि ज्यादा लग रहा है, लेकिन प्राइस के वजह से हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? फेवरेबल। इसका मतलब कि प्राइस हमको सस्ती मिल गई है। अब देखते हैं आखिर ये एडवर्स आ रहा है तो किसके वजह से आ रहा है। तो अब हमारे पास दूसरा क्या है? क्वांटिटी। क्या मैंने गड़बड़ क्वांटिटी यूज कर ली है? तो आओ देखते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस तो हमारा फिक्स रहेगा 2 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे यूज कितना करना था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे यूज करनी थी 800। कितनी यूज करनी थी? 800। लेकिन मुझसे यूज कितना हो गया? 900। इसका मतलब कि मैंने 100 क्वांटिटी ज्यादा यूज की, तो 100 का मतलब हो जाएगा ₹2 × 100, यानी कितना आ जाएगा? 200 एडवर्स। ठीक, तो 200 मेरे से क्वांटिटी ज्यादा यूज हो गई, एडवर्स आ गया, और 180 क्या आ गया? फेवरेबल। मैंने अभी बताया कि यही दोनों मिला के मेरा क्या बनते हैं? मटेरियल कॉस्ट। तो 200 एडवर्स और 180 फेवरेबल को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 एडवर्स। आई होप आपको एग्जांपल से भी अब क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के डिफरेंस की वजह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है। प्राइस वेरिएंस भी हो सकता है, तो प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी मेरा सेम रहेगा, एसपी माइनस एपी कर देगी तो मैं निकल जाएगा, और इस केस में हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई गेस अब आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक, सो अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट हमारा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है। ठीक, सो आई होप इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो। ओके, सो अब हमारे पास दो वेरिएंस और रह गए हैं, एक है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक है हमारे पास मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आइए इसके बारे में पहले समझते हैं, फिर एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि क्वांटिटी की वजह से गड़बड़ हुआ है, और क्वांटिटी के अंदर में दो चीजें हैं, या तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और क्या है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये है हमारा मिक्स, और मिक्स का मतलब ही क्या होता है कि ये तो श्योर हो गया कि तुमने गड़बड़ी की है क्वांटिटी की, तुम्हें यूज करना था 400 किलो और तुमने यूज किया है कितना? 500 किलो। या इस वाले एग्जांपल की बात करें तो तुम्हें यूज करना था 800 किलो और तुमने कितना यूज किया है? 900 किलो। ये तो क्लियर हो गया कि तुमने क्वांटिटी क्या की है? ज्यादा यूज की है। तो ये गड़बड़ी किसकी होगी? क्वांटिटी की। अब हम जानना चाहते हैं कि तुमसे जो गड़बड़ी हुई है वो किस तरह की हुई है, क्या मिक्स में तुमने गड़बड़ी की है या फिर यील्ड में गड़बड़ी हुई है। अब ये मिक्स की गड़बड़ी क्या है और यील्ड की गड़बड़ी क्या है, ये आइए समझते हैं। मिक्स का मतलब होता है प्रपोर्शन। क्या होता है? प्रपोर्शन या रेशियो। मैंने बोला था कि तुमको इस्तेमाल करना है 3:2 रेशियो में। मान लेते हैं कि ये 800 किलो जो मुझे इस्तेमाल करना था, वो 800 किलो जो इस्तेमाल करना था वो हमको किस रेशियो में करना था? 3:2। मान लेते कोई एक्स है और एक है वाई। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन अभी हम इसको ऐसे समझते हैं। 800 किलो तो तुमको यूज करना था, और इस 800 को तुमको किस रेशियो में करना था? 3:2। इतनी बात समझ में आई? लेकिन तुम गधे, तुम क्या किए हो, तुमने कितना यूज कर लिया? 900। तो मैं, मुझे ये तो पता चल गया कि 800 की जगह 900 इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या तुमने इस रेशियो को फॉलो किया या नहीं किया? अब मुझे क्या देखना है कि तुमने इस रेशियो को फॉलो किया या नहीं किया। जल्दी से बताओ, 3:2 इसका मतलब कि 900 जो है
वो तुमको किस रेशियो में करना था, 3:2, यानी कि 540 और 360, इतना इतना तुमको मान लेते एक्स एक्स तुमको यूज करना था इतना और वाई करना था इतना, ठीक। भले तुमने 900 कर लिया है, लेकिन 900 तुमने जो ज्यादा किया है वो भी इस रेशियो में किया है या नहीं। अगर तुमने इसको यूज भी इसी तरीके से किया होगा 540 और 360, तब तो देयर विल बी नो एनी मटेरियल मिक्स वेरियंस। इसका मतलब कि तुमने मिक्स को तो सही फॉलो किया, जो मिक्सचर बताया गया था जिस रेशियो में उसी रेशियो में तुमने उसको इस्तेमाल किया है। तो अगर हमने इसी रेशियो में इसको इस्तेमाल किया होगा, यानी कि एक्स का 540 किलो और वाई का 360 किलो अगर इस्तेमाल किया होगा, तब तो हमारा मटेरियल मिक्स वेरियंस क्या है, सही है। इसका मतलब कि तुमने ज्यादा तो यूज किया, लेकिन तुमने रेशियो क्या किया, सही फॉलो किया। लेकिन अगर गलती से मैंने 900 किलो में 450 किलो इसको इस्तेमाल किया और 450 किलो इसको इस्तेमाल किया, तब तो मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। तब तो मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। सर क्या गलती हो गई, सबसे पहले तो तुमको 800 यूज करना था, तुमने कितना यूज किया, 900। चलो अच्छा ज्यादा यूज कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बताओ 540 तुमको करना था और 360 करना था, क्या तुमने एक्चुअल में भी यही यूज किया। तो एक्चुअल में हमने यूज किया है 450 450। इसका मतलब कि मैंने मिक्स वेरिएंस को भी फॉलो नहीं किया, यानी कि जो मिक्स मुझे बोला गया था 3:2 रेशियो में करने को, मैंने वो भी नहीं किया। इसका मतलब कि वेरिएंस इसके वजह से भी आया होगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब ही होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है कि जो रेशियो बोला गया था स्टैंडर्ड, वो रेशियो भी मैंने फॉलो नहीं किया, तो उसके वजह से जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इतनी कहानी समझ में आ रही है, इतनी कहानी समझ में आई, यानी कि जो रेशियो फॉलो करना था मैंने उस रेशियो को भी फॉलो नहीं किया, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब आइए समझते हैं यील्ड वेरिएंस क्या होता है। यील्ड वेरिएंस का मतलब होता है जो आपको एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल करनी थी, जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल की है और जो आपको जिस क्वांटिटी को करना था, यानी कि जो क्वांटिटी आपको करनी थी वो और आपने जो क्वांटिटी किया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा किस में जाएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस में। इसका मतलब कि ध्यान समझना, मान लो सपोज मैंने एक्चुअली में कितना किया, मैंने एक्चुअली में किया इतना इतना, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आया होगा वो क्या आया होगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक। एक एग्जांपल से हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे।